friends, welcome back to Cute Honey Bunny Family. तो आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने रैबिट्स के लिए पिंजरा कैसे रेडी करें। मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे हनी बनी दोनों ही बड़े हो चुके हैं और ये पिंजरा उन लोगों के लिए एडजस्टेबल नहीं है। सो मैं न्यू केज बनाने वाली हूँ दोनों के लिए। तो आप देख ही रहे हैं कि मैंने अभी बली को निकाल दिया है क्योंकि रात भर तो ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं बट सुबह में एक साथ दोनों एक ही केज में नहीं रह पाते। इस पिंजरे की हालत इन दोनों ने मिलकर बहुत ही ख़राब कर दी है। पहले क्यूट हनी बनी दोनों इस पिंजरे में रहते थे तो बहुत अच्छे से ब्लॉक्स बने हुए थे, उनके नेम प्लेट्स भी थे, पर ये दोनों मिलकर उस नेम प्लेट का हालत ही ख़राब कर दिए और सब कुछ हटाना पड़ा धीरे धीरे। फिर लकड़ी को दांत से काट काट कर डिज़ाइन बना दिया है और हनी आराम से अंदर से बैठ के देख रही है। मैं आगे डिस्कस करूंगी कि सबसे सस्ते में पिंजरा कैसे रहता है क्योंकि मार्केट्स में तो ऑलमोस्ट 1000 के अराउंड ही पिंजरा आ पाता है। तो मैं सोच रही हूँ सस्ता में दो पिंजरा रेडी हो जाए मेरा, और एक सरप्राइज भी है मेरे पास क्योंकि मेरे घर में एक और स्वीट क्यूट ही रैबिट आई है और मैंने अभी तक उसका नाम सोचा नहीं है बट घर में सब लोग उसे स्वीटी बुला रहे हैं। तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर उससे मिलाऊंगी आप सबको और सच में बहुत स्वीट है। ऐसे तो मेरे हनी बनी भी बहुत स्वीट है, मेरी हनी भी तो बहुत स्वीट है, मेरी स्वीट हनी बहुत ज़्यादा स्वीट है, मेरा बनी भी काफ़ी स्वीट है और ये बहुत मस्ती भी करता है और मेरी बात भी बहुत ज़्यादा सुनता है। केज बनाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट नेट मंगा करके रखा है जो कि टोटल 24 स्क्वायर फीट है और मैंने इसलिए 24 स्क्वायर फीट मंगाया है क्योंकि मुझे दो पिंजरे रेडी करने हैं और ये जो पिंजरा है इसकी मैं हालत थोड़ी ठीक कर सकूँ क्योंकि अभी तो मेरे पास टोटल 3 रैबिट हो गए हैं स्वीटी को मिला करके।